मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ने एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन खो दिया है। मोटिवेटर्स जो यूथ को मोटिवेट करते थे, वो ऐसा एक मोटिवेटर हमारे देश ने खो दिया है। मिल्खा सिंह जी जिसको देश के वासी जानते थे, जिन्होंने हमारे देश का बहुत सम्मान बढ़ाया है, आई थिंक रोम के ओलंपिक्स में उन्हें कुछ मार्क्स की वजह से उन्हें फोर्थ प्लेस मिला। बाद में चार बार वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ले चुके हैं। स्प्रिंट करते थे, भागते थे, उन्हें शायद फ्लाइंग सिख का भी टाइटल दिया जाता था। बहुत बड़े श्रेष्ठ धावकों में गिना जाता था। और मुझे तो उनके बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पूरी जिंदगी भर उन्होंने लोगों को उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। एक हफ्ते पहले मैंने सुना उनकी पत्नी भी गुजर गई थी। ये कोरोना पता नहीं किन किन को अपना शिकार बना रहा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, अभी स्पोर्ट्स में भी एक बहुत बड़े दिग्गज धावक को कोरोना ने अपने हमले से चित कर दिया है। ये हमारे देश के प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि इस कोरोना को जितनी जल्द हो ख़त्म किया जाए। इसका आतंक जो है, एक खौफ जो है, ये ठीक भी हो गए थे, लेकिन जो कोविड के बाद का जो मैंने सुना है कि उनके बाद का जो एक इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो पोस्ट कोविड ठीक होने के बाद में उसने इफ़ेक्ट किया और इनके ऊपर, और ये मैं जगह जगह देख रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि उनके घर वालों को भगवान हम शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी को झेल सके। हमारा पूरा देश का युवा दल, सारे स्पोर्ट्समैन, हर तरह के स्पोर्ट्समैन इस दुख में परिवार वालों के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज का दिन खेल जगत के इतिहास में एक ऐसा दिन है जहां हमने अपने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को खो दिया है। मिल्खा सिंह जी भले ही 91 ईयर्स में हम सबको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनका जज्बा, उनकी भावनाएं किसी भी एक यंग नौजवान से कम नहीं थी। अंत तक उनका जज्बा ऐसे ही था कि जैसे कि एक 20 साल के नौजवान का होता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें तो हमारे बीच में हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी पहली मुलाकात उनके साथ दिल्ली में हुई थी। मैं दिल्ली के होटल मौर्या से जल्दबाजी में बाहर निकल रहा था, तो मैं किसी से टकराया और सामने देखा कि मिल्खा सिंह जी हैं, लेकिन मैं एक क्षण के लिए उनको पहचान नहीं पाया। तभी उनकी आवाज़ आई टिपिकल पंजाबी टोन में, और तीरथ जी, और तुसे तो साढ़े पंजाब दी शान हो। मैंने फौरन पहचान लिया और क्षमा मांगते हुए उनसे कहा, यार सॉरी 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 मिल्खा सिंह जी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। वो कहने लगे, कोई गाल नहीं जी। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आप जो हैं, आप हमारे देश की शान आन बान हो, विदेशों की शान। पहचान लिया और क्षमा मांगते हुए उनसे कहा, यार सॉरी 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 मिल्खा सिंह जी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। वो कहने लगे, कोई गाल नहीं जी। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आप जो हैं, आप हमारे देश की शान आन बान हो, विदेशों की शान आन बान हो, आप एक ऐसा सितारा हो जिसके लिए हम सभी भारतीयों को गर्व है। आप खेल जगत के ही सितारे नहीं, बल्कि हर भारतीय के मन के सितारे हो। आज दिन तो यूं शोक और संतप्ति का है, दुख का है, लेकिन इस दुख के दिन में मैं यही कहूंगा कि मिल्खा सिंह जी जहां भी होंगे, वहां भी वो अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से और अपने जज्बे से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जैसे मिल्खा सिंह जी ने फ्लाइंग सिख के नाम से अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया, तो परमात्मा उनको जहां भी लेके गया है, वहां भी एक अच्छे इंसान के नाते
अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उनके परिवार को, उनकी बेटियों को और उनके बेटे को और सभी प्रियजनों को मेरी तरफ से संवेदनाएं। ओम शांति।